जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमन्ते नमः। हनुमान जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय हो, जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़े, आपका कल्याण हो। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल सु सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो। हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। तुला राशि वालों, सोमवार का दिन 14 नवंबर, पुष्य नक्षत्र शनि का शुभ फल, क्योंकि आपकी कुंडली में राहु शुक्र बुध की स्थिति बेहतर है। बृहस्पति उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में शनि के प्रभाव से प्रभावित है, जबकि शुक्र अनुराधा नक्षत्र में शनि के प्रभाव से प्रभावित है। आज शनि के प्रभाव में बृहस्पति भी है, शुक्र भी है। आपके लिए बुध लाभ स्थान में शनि के बैठा है और शनि सुख स्थान में राहु का गोचर कर रहा है। यानी आज शुभ योग में पुनर्वसु नक्षत्र 1:15 बृहस्पति का प्रभाव, देवता अदिति का आशीर्वाद, उसके बाद पुष नक्षत्र का उदय, शनि का प्रभाव। आज आपकी कुंडली में बृहस्पति शनि का प्रभाव, राहु की छाया, मंगल और चंद्रमा की दृष्टि है। पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति होता है और पुष नक्षत्र का स्वामी शनि। आज शुभ योग है, बहुत दिनों के बाद शुभ योग में पुनर्वसु नक्षत्र और पुष नक्षत्र का मिलन हो रहा है। 1:15 पर सर्वा सिद्धि योग आरंभ होगा। आपकी जीवन में बड़े लाभ, बड़े सौभाग्य, बड़े सुख देवता अदिति के आशीर्वाद से प्राप्त होता है, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र का बृहस्पति आपके लिए बड़ा शुभ होता है, जो आज शनि के प्रभाव से प्रभावित है और आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहा है। शनि इस समय तुला राशि वालों के लिए सुख स्थान का स्वामी होकर सुख स्थान में बैठा है और सुख स्थान का शनि शुक्र बृहस्पति के साथ बुध को भी प्रभावित कर रहा है, पर शनि खुद राहु से प्रभावित हो रहा है। आज शनि की स्थिति आपकी कुंडली में बेहतर है। पुष नक्षत्र का शनि शुभ होता है, शुभ फल देता है और तुला राशि वालों के लिए तो शनि का प्रभाव बड़ा भाग्यशाली योग बनाता है। आपकी जीवन की जय पराजय, आपकी जीवन का भय तनाव, विघ्न बाधा, सुख दुख सब कुछ शनि से प्रभावित होता है। जब शनि की स्थिति अच्छी होती है तो आपके जीवन में सुख बढ़ता है, विघ्न बाधा दूर होती है, आपकी जीवन में तरक्की आरंभ हो जाती है और आपकी जीवन में बड़ी उपलब्धि आप प्राप्त करते हैं। और शनि पुष नक्षत्र में शुभ फल देता है। आज शनि की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है, जिसके कारण शनि आपके भाग्य कर्म, आपकी जीवन का उत्साह उमंग, सुख और समृद्धि को प्रभावित करेगा। शनि जब अपने प्रभाव से आपके जीवन में शुभ फल देता है तो आप अपने मेहनत से अपनी किस्मत को चमका लेते हैं। आज ये पुनर्वसु नक्षत्र 1:15 तक, उसके बाद पुष नक्षत्र यानी अपने सभी सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य और शक्ति आप में है। आप में साहस, स्वाभिमान, क्षमता, नेतृत्व, आपकी शक्ति आपको अजय बना देता है। धन कारोबार में सुधार होने लगता है, नौकरी में नई जिम्मेवारी मिलती है, आप तेजस्वी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, मन शांत होता है, पर अपने जीवन को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर आप गंभीर रहते हैं। हर क्षेत्र में अपने भाग्य को आजमाने की कोशिश करते हैं और अपने जीवन में बड़ी सफलता पा ही लेते हैं। जब पुष नक्षत्र में शनि शुभ फल देता है तो गजब सा आकर्षण आपके जीवन में होता है। तुला राशि वालों, आपके जीवन में जो आपकी शक्ति है, जो आपकी योग्यता है, हर क्षेत्र में कामयाबी और तरक्की देता जाता है। शनि के प्रभाव के चलते आज आप अपने कर्म पर विश्वास करेंगे, अपनी मेहनत से सफलता की बुलंदी पर पहुंचेंगे। अपनी हिम्मत और मेहनत से आप सफलता, कामयाबी के झंडे गाड़ेंगे। आज शुभ योग है,
पुनर्वसु नक्षत्र का बृहस्पति आपको भाग्यशाली बनाता है, आपका सौभाग्य जागता है और शनि के प्रभाव में पुष्य नक्षत्र में अपने जीवन में आप बड़े लाभ और सुख पाते हैं, क्योंकि आज बृहस्पति शनि का प्रभाव, राहु की छाया, मंगल और चंद्रमा की दृष्टि आपके जीवन में खुशियों को बढ़ाएगा। शुभ समय के आरंभ होने से आपके जीवन में बड़े लाभ सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आज आपका सबसे बड़ा ताकत आपकी मेहनत है, क्योंकि शनि का जब प्रभाव शुभ होता है तो अपने मेहनत से अपने जीवन में आप बहुत आगे बढ़ते हैं। आज शनि, शुक्र, चंद्रमा आपको बेहतर परिणाम, शुभ फल और भाग्य की बुलंदी को आप छुएंगे। चंद्रमा मंगल आपकी कुंडली में आज चंद्रमा की स्थिति और मंगल की स्थिति, मंगल आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठा है और चंद्रमा लाभ स्थान में। लग्न में सूर्य केतु का गोचर है, बुध और शुक्र आपकी कुंडली के धन भाव में, सुख स्थान में शनि और सप्तम भाव में बृहस्पति की दृष्टि है। आपके लिए समय बड़ा भाग्यशाली है। पुष्य नक्षत्र का शनि शुभ फल देता है, बड़ी उपलब्धि लेकर आता है, आपकी मनोकामना की पूर्ति करता है, आपकी स्थिति को बेहतर बनाता है। आज आपकी परेशानी, बाधा, निराशा खत्म होगी, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति और शुक्र जो एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं, वैवाहिक जीवन में खुशी और भाग्य का साथ भी मिलेगा, क्योंकि शुक्र के साथ भाग्य स्थान का स्वामी। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में केतु जो है सूर्य के साथ गोचर कर रहा है, आपके लिए बड़े लाभ सौभाग्य शनि के प्रभाव से प्राप्त हो रहा है। राहु शुक्र बुध की स्थिति, कोई बड़ा सरप्राइज आपको मिलेगा, अचानक आपके जीवन में खुशियां भी बढ़ेगी, सुख भी प्राप्त होगा, क्योंकि शुक्र बुध के साथ अपार खुशी लेकर आपके जीवन में आएगा, जो धन स्थान में बैठा है। केतु आपके आत्मविश्वास को सफलता में बदलेगा, किसी बड़े काम और किसी महत्वपूर्ण काम को आज आप पूरा कर सकते हैं। आज शनि शुक्र का प्रभाव भी आपके सौभाग्य और लाभ का योग बनाएगा, यानी जीवन में स्थिति बेहतर होते जाएगी, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। आज आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, जीवन और परिस्थिति में बदलाव आएगा। जिस अच्छे समय का आप इंतजार कर रहे थे, वो समय आपके जीवन में आरंभ हो चुका है। भाग्य का सितारा चमक रहा है, भाग्य आपका अच्छा है, किस्मत बहुत कुछ देगा, शुभ समाचार, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होगी। आज ये दिन आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा, अपने जीवन में ज्यादा सुख, बड़ी कामयाबी, बड़े लाभ आप अर्जित करेंगे, क्योंकि सामर्थ्य और आगे बढ़ने की शक्ति, अवसर का लाभ, सकारात्मक परिणाम आपके जीवन में देगा। ये समय आपके लिए बड़ा सुख संपत्ति को बढ़ाने वाला, आपकी परेशानी को दूर करने वाला सुंदर समय है। ऐसे समय में आपके जीवन में बड़े लाभ और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज का दिन चार चरण में व्यतीत होगा। प्रथम चरण का स्वामी चंद्रमा है, द्वितीय चरण का स्वामी सूर्य है, तृतीय चरण का स्वामी बुध है और चतुर्थ चरण का स्वामी शुक्र है। चंद्रमा आपके कर्म का स्वामी है, सूर्य लाभ स्थान का स्वामी है, बुध भाग्य का स्वामी है और शुक्र लग्न का स्वामी है। सबसे पहले आप कर्म करेंगे, चंद्रमा आपसे कर्म करवाएगा और सूर्य आपके जीवन में धन समृद्धि लेकर आएगा। बुध भाग्य की स्थिति को सुंदर बनाएगा और शुक्र जीवन का सुख देगा। चार चरण में आज का दिन पूरा होगा, जो आपके लिए शुभ है, अच्छे परिणाम मिलेंगे। 1:15 में जब सर्वात सिद्धि योग बनेगा, उस समय पुष्य नक्षत्र का शनि आपके जीवन में बड़े लाभ का अवसर लेकर आएगा। आपके लिए समय आपकी शान शौकत को बढ़ाने वाला, आपके जीवन में तरक्की, समृद्धि लेकर आने वाला साबित होगा। परिवार की खुशी, जीवन का सुख है, आपके जीवन में तरक्की, उन्नति का समय है। जब भी ऐसा योग बनता है, धन के साथ मान सम्मान भी आप प्राप्त करते हैं, आपके जीवन में बड़े लाभ
और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आपका गृहस्थ जीवन सुंदर होता है, जीवन में सुख होता है, अपने कर्म भाग्य से लाभ कमाते हैं और जीवन में बड़ी तरक्की हासिल करते हैं। तो विस्तार से राशिफल जानने से पहले चलिए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, ग्रहों की दशा, आज का पंचांग 14 नवंबर सोमवार का दिन, माघ माह कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, शुभ योग पुनर्वसु नक्षत्र 1:15 तक, उसके बाद पुष्य नक्षत्र यानी बृहस्पति शनि का प्रभाव, मंगल चंद्रमा की दृष्टि, भाग्य उदय का योग, संतान की उन्नति, कर्म से जीवन का सुख है, उन्नति तरक्की आपके लिए समय बड़े लाभ के अवसर लाएगा, आपके लिए समय शुभ फल सौभाग्य समृद्धि और सुख देगा। आज आपके लिए पुष्य नक्षत्र का शनि बड़ा शुभ है क्योंकि बृहस्पति और शुक्र भी शनि के प्रभाव से प्रभावित है। शनि शुक्र बृहस्पति शुभ और भाग्यशाली है जो आपके जीवन में आपकी हर इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति करेगा, आपके जीवन को शानदार बनाएगा, आपके जीवन में आपका व्यापार बड़े धन कमाएंगे और जीवन में उत्साह से सुख पाएंगे। आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य का योग है, आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपके लिए खुशियां बढ़ाने का, लाभ कमाने का, सुख पाने का ये सुंदर समय है जो आपकी परिस्थिति को बदल रहा है, आपके जीवन में लाभ धन लेकर आया है। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:57 पुनर्वसु नक्षत्र में शुभ योग में बृहस्पति और देवता अदिति के आशीर्वाद से दिन की शुभ शुरुआत जो शानदार होगा, सफलता कामयाबी के लिए। अमृतकाल 10:33 से 12:21 मंगल चंद्रमा की दृष्टि शुभ फल देगा। अभिजीत मुहूर्त 11:44 राहु की छाया, शनि का प्रभाव आपके जीवन में बेहतर अवसर लाएगा, लेकिन 1:15 पर जब पुष्य नक्षत्र का शनि प्रभावित करेगा तो आपके जीवन में और भी ज्यादा सुंदर फल की प्राप्ति होगी। और विजय मुहूर्त 1:53 आपके सपनों को साकार करने का अवसर देगा। आज ये राहु काल 8:03 से 9:24 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें, पूरब दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लकी कलर व्हाइट होगा, लकी नंबर 5 होगा, तो आप भाग्यशाली हैं, आपके जीवन में लाभ होगा, सुख मिलेगा। पुष्य नक्षत्र का शनि शुभ है, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें, निश्चित तौर पर आपके जीवन में अपार सफलता कामयाबी और खुशखबरी की प्राप्ति होगी। तो हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें।